Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about Illocutionary Act. We have already formed a video on Speech Acts, जिसमें हमने बात की थी Locutionary Act, Illocutionary और Perlocutionary Act पे, and I told you that we have to form another video on Illocutionary Act, क्योंकि हमें इस एक्ट को इन डिटेल में समझना ज़रूरी है. Why? Because we have here Illocutionary Force Indicating Device, जिसको हम IFIDs कहते हैं. Then we have Felicity Conditions, और lastly हमारे पास Classification होती है Illocutionary Act की मुख्तलिफ टाइप्स पे. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी, व्हाट इज स्पीच एक्ट. तो स्पीच एक्ट के बारे में मैंने आपसे कहा था जी, व्हेन वी से वर्ड्स वी डू नॉट ओनली से बट वी आल्सो परफॉर्म सर्टेन एक्शन थ्रू दोज वर्ड्स. और इस फील्ड के बारे में जो सबसे पहले जिस बंदे ने काम किया था, दैट वाज जे एल ऑस्टन, और उसने बुक लिखी हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स. और फिर जॉन सरले ने इसके ऊपर फर्दर काम किया. अगर जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी थी, आई वुड लाइक टू हैव सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास इट टू मी, तो यहाँ पे जो है स्पीकर जो है उसकी डिजायर है दैट ही वांट टू हैव और ही वांट्स टू हैव और ही वांट्स टू अक्वायर द सॉल्ट, तो उसके लिए फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है दैट समवन शुड पास हिम द सॉल्ट. अब हम डायरेक्ट उस चीज पे आ जाते हैं, इल्लोक्यूशनरी एक्ट पे, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है. बट बिफोर दैट आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे दूं. इल्लोक्यूशनरी एक्ट डील करता था producing a meaningful linguistic utterance. Meaningful और grammatically sound जब हम utterance produce करेंगे तब locutionary act होगा. Illocutionary act जब भी हम produce करते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई purpose, जब भी हमने कोई utterance pronounce करनी है या produce करनी है तो वो उसका कोई purpose होगा, या जो function उससे serve हो रहा होगा, या जिस जो psychologically किसी के mind में होगा, that would be called illocutionary act. और perlocutionary act था जी जो उसका effect होगा. तो अब दोबारा वापस इल्लोक्यूशनरी एक्ट पे, क्योंकि इस पे हमें जरा इन डिटेल बात करनी है. द इल्लोक्यूशनरी एक्ट इज परफॉर्म वाया द कम्युनिकेटिव फोर्स ऑफ द अटरेंस. और वो जो कम्युनिकेटिव फोर्स है वो डिलीवर होती है आपकी इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिव डिवाइस से, जिससे अगली स्लाइड में हम उस पर बात भी करेंगे. अब इसमें अगर देखा जाए, आई हैव जस्ट मेड सम टी, तो ये अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका क्या मतलब है, बिकॉज वी कैन फॉर्म टू टू थ्री डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेंटेंस. एक तो ये होगी कि भाई किसी ने पूछा तो उसने कब बता दिया. सेकेंडली वो किसी को ऑफर कर रहा है टी बनाने के बाद. और थर्डली वो ये भी कहा जा सकता है कि दैट ही इज एबल टू फॉर्म टी एज वेल. तो ये हम इन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्टली इट इज अंडरस्टूड बाय इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिव डिवाइस. सेकेंडली इट इज अंडरस्टूड बाय फेलिसिटी कंडीशन. एंड स्पेशली इट इज अंडरस्टूड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज. अब यहाँ पे IFID के ऊपर हम बात कर लेते हैं. द मोस्ट ऑब्वियस डिवाइस फॉर इंडिकेटिव द इल्लोक्यूशनरी फोर्स है, जो कम्युनिकेटिव फोर्स है उसे हम कहते हैं जी, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एज शोन इन गिवन एग्जांपल वेयर देयर इज अ स्लॉट फॉर अ वर्ब. यहाँ पे आप देखें जी, ये स्लॉट है, वर्ब की स्लॉट है. इससे हमें समझ आती है कि बेसिकली इससे क्या डिफरेंट मीनिंग्स जनरेट हो सकते हैं. That explicitly names the illocutionary act being performed, कि उससे हम कौन सा function perform कर रहे हैं. क्यों मैंने कहा था जी, जब भी हम अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, जो हमारे माइंड में हो फिजिकली हम उसे परफॉर्म करना चाह रहे हो. तो ये जो फंक्शन होगा वो उसके लिहाज से आपको ये बता देगा जी, इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिव डिवाइस. और उन वर्ब्स को हम परफॉर्मेटिव वर्ब्स भी कहते हैं. जैसे अब हमने कह दिया जी, आई विल सी यू लेटर, और ये सेंटेंस इफ क्लियर वर्ब इज नॉट प्रेजेंट देन वी नीड कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. वैसे सिंपल मैं अगर कह दूं जी, आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई इशू नहीं दैट आई एम टेलिंग समवन दैट आई एम रीडिंग अ बुक, या मैं बिजी हूँ अभी मैं आपकी बात नहीं सुन सकता. लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई विल सी यू लेटर, इसके तीन इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेट, इस डिवाइस से तीन मीनिंग जनरेट फंक्शन जनरेट. आई प्रिडिक्ट दैट कि मैं सपोज करूँ कि मैं इन फ्यूचर आपसे को देखूंगा या मिलूंगा. सेकेंडली मैं आपसे प्रोमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको फ्यूचर में मिलूंगा. एंड लास्टली मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि यू नीड टू बी अवे फ्रॉम मी, या आपको बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि मैं आपको जरा फ्यूचर में वरना देख लूंगा. तो अब एक तो ये चीज होगी. दूसरी, मोस्ट ऑफ द टाइम हाउएवर देयर इज नो परफॉर्मेटिव वर्ब मेंशनड. अदर इल्लोक्यूशनरी फोर्स इंडिकेटिव डिवाइसेस जो है ना, देखे जी बाजूकात यूं होता है कि क्लियर परफॉर्मेटिव वर्ब मेंशन नहीं होता, तो उसके लिए फिर आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे वर्ड ऑर्डर हो गया, स्ट्रेस या इंटोनेशन पैटर्न का भी इस्तेमाल करके आप मीनिंग्स को जनरेट कर लेते हैं या फंक्शन को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं कह दूँ जी यू आर गोइंग, मैं आपको बता रहा हूँ कि यस यू आर गोइंग,
या मैं फिर अगर देखो जी ये तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन जब मेरी इंटोनेशन पैटर्न हाई होगा, एज यू नो जब भी हम आपने ये फनेटिक्स एंड फनोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जब भी हमारा इंटोनेशन पैटर्न होता हाई होता है, दिस मीन्स वी वॉन्ट टू कंटिन्यू, अपनी स्पीच को कॉन्टिन्यू रखना चाहते हैं, या फिर हम जो है कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यू आर गोइंग, तो दिस मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर कंफर्मेशन वेदर यू आर गोइंग अ नॉट, और सेकेंडली जब आपका ये वर्ड ऑर्डर सिंपली आ जाए आर यू गोइंग, फिर आपको आर इंटोनेशन पैटर्न जैसा भी रखें, इससे समझ आ रही है वर्ड ऑर्डर से कि दैट आई एम आस्किंग दैट डू यू वॉन्ट टू गो आर नॉट. While other devices such as load, voice quality for a warning or a threat might be used to indicate illocutionary force. So, अब ये देखे जी load, voice quality हो गया. The utterance also has to be produced under certain conventional conditions to count as having in the intended illocutionary force. Means ये कि आपको एक particular context में ही utterance, अब ये नहीं कि मैं बात किसी और चीज़ की कर रहा हूँ यकदम बीच में कोई और utterance, so it would be confusing for the hearer to understand. आप हमेशा context के लिहाज से ही बात करते हैं. सेकेंडली जो इलोक्यूशनरी एक्ट के ऊपर बात होती है दैट इज फेलिसिटी कंडीशंस, मींस के कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस सर्टन कंडीशंस होती हैं जिससे हमें समझ आ जाती है कि जो स्पीच एक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी तरह जो हमारी इंटेंशंस हैं वो उसी तरह अगला भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा. अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जी, जो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी जनरल कंडीशन. अब चलें पहले इस एग्जांपल को, आई सेंटेंस यू 6 months प्रिजन. अब देखें इसके लिए पहली चीज़ है देयर मस्ट बी अ जज, देन देर मस्ट बी अ क्रिमिनल, और क्रिमिनल को भी अपनी ही नोज हिज फॉल्ट, ही नोज वट ही डन, उसने कौन सा सिन या इविल कमिट किया है. लाइक वाइज जज को भी पता है दैट ही होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके हिसाब से. लेकिन इसके साथ साथ उनको पता है जी जब ये हो चुका है जनरल कंडीशन, लैंग्वेज भी ठीक होगी, कॉन्टेंट के लिहाज से भी उन्हें पता है कि एक इस फ्यूचर में काम होगा, साथ साथ ये भी होगा कि इसके लिए कुछ प्रिपरेटरी कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस भी सेट करनी पड़ेंगी कि ही हैज टू स्टे इन अ प्रिजन, और वो उसे अपने आप को इस चीज़ के कमिट करेगा. लेकिन पहले बात करते हैं जी जनरल कंडीशन होता क्या. इन एवरीडे कॉन्टेक्ट्स अमंग ऑर्डिनरी पीपल देर आर ऑल्सो प्री कंडीशन ऑन स्पीच एक्ट्स. देर आर जनरल कंडीशन ऑन द पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दैट दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बींग यूज, तो आप हमेशा ऐसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं दैट द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड, और उसमें कोई ये नहीं कि आप उसमें नॉन सेंसिकल या उसमें पन का इस्तेमाल कर रहे हो और वो आप उसके साथ दैट यू आर जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, बट यू नीड टू बी सिंसियर इन योर लैंग्वेज और सिंपल और ब्रीफ ताकि अगले को क्लियर हो जाए. कॉन्टेंट कंडीशन, जब भी आप प्रॉमिस और देखें वार्निंग करेंगे तो उसका कॉन्टेंट जो होगा वो अटरेंस का फ्यूचर के लिए, जैसे आई विल सी यू लेटर, तो इसमें जिस तरह मैंने उसमें प्रॉमिस किया था और वार्निंग दी, तो मेरा जो कॉन्टेंट है वो एक फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है. प्रिपरेटरी कंडीशन, दिस मीन्स दैट यू कैन डू वॉट यू से दैट बोथ स्पीकर, अब आपको इस पर एग्री करना पड़ता है दैट यू नीड टू प्रिपेयर यूर सेल्फ कि जो चीज़ आप जिस पे बात कर रहे हो वो आप करोगे. दैट द प्रिपरेटरी कंडीशन फॉर अ प्रॉमिस क्या होगा जी, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ वार्निंग. अब देखें जी प्रॉमिस में एक अच्छे इमोशंस होंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वार्निंग के अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे, जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो भी नेगेटिव होगा, इफेक्ट भी नेगेटिव. सिंसेरिटी कंडीशन, इन परफॉर्मिंग इलोक्यूशनरी एक्ट द परफॉर्मर मस्ट हैव अ सर्टेन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड होना चाहिए उस अटरेंस को लेकर के बाकी वो वाकई उसके साथ सिंसियर है भी या नहीं. When a person is making a promise, तो उसके पास intention होनी चाहिए कि that he is going to keep it. तो ये आपकी sincerity condition में आएगा. And the last one is essential condition. This condition covers the fact that by the act of uttering a promissory, I thereby intend to create. तो मैं अपने आप को obligate करूँगा कि that I have to perform this action, और मैं ये promise का action complete करूँगा ही करूँगा. In other words, the utterance changes my state from non-obligation to obligation. मतलब मुझे उसने मेरी जो condition है उसे change कर दिया. For example, अगर मैंने किसी को कह दिया जी I know कि ये मेरा काम करेगा जी, can you please pass me the book? तो if I know कि वो, तो फिर मैंने उसे उसकी जो state of mind से है दूसरी state of mind में जब हम उसे switch कर दें तो ये जो है और उसमें मुझे लगे कि हाँ yes the person is able to do that thing, तो वो essential condition में आ जाएगा. Till now we have talked about illocutionary force indicative device, जिसमें एक performative verb होता है. Then we talked about felicity conditions, जिसमें हमने 5 conditions की बात की, जिसमें language आ जाती है, you need to prepare yourself, content कैसा होना चाहिए उसका, future event होगा, past event होगा, how you can prepare yourself, whether you are sincere or not, और कैसे वो essential बनाता है, कैसे आपकी state of physical state या mental state को वो change करता है.
Now, moving on to the last topic of this presentation, and that is classification of illocutionary act. के जॉन सरले ने इलोक्यूशनरी एक्ट्स को फर्दर पांच टाइप्स में क्लासिफाई किया था. जे एल ऑस्टन ने सिंपली स्पीच एक्ट्स को तीन में क्लासिफाई किया, लेकिन इलोक्यूशनरी एक्ट्स को फर्दर जॉन सरले ने क्लासिफाई किया. इसमें पांच टाइप्स हैं जी. सबसे पहले डेक्लेरेटिव की बात कर लें. जब हम कोई ऐसी अटरेंस प्रनाउंस करें जिससे हमारा वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाए, जिससे हमारा जी चेंज द वर्ड, उसको आप क्या कहेंगे? डेक्लेरेटिव. द स्पीकर ऑल्सो हैज टू सॉरी द स्पीकर ऑल्सो need to have a special institutional role in a specific context in order to perform a declaration appropriately. अब जो बंदा जो चीज़ declare कर रहा है तो उसके पास कोई authority भी होनी चाहिए, otherwise the declaration wouldn't be considered as valid. तो फिर उसे हम valid consider. जैसे अगर priest कह दे I now pronounce you husband and wife, तो यहाँ पे priest की जगह if there is a layman तो फिर वो husband and wife का relation जो है वुडंट बी कंसीडर्ड इन क्रिश्चियनिटी. तो फिर यहां अगर वो मौलवी साहब कह दें तो फिर भी ये जो होगा, जब तक उसके पास इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है तो ये इट वुडंट बी कंसीडर्ड. अब ये ज्यूरी अगर जी वी फाइंड द डिफेंडेंट इनोसेंट, तो उन्होंने कहा ज्यूरी, अगर ये कोई कॉमन बंदा खुद से कह रहा हो तो दिस वुडंट बी कंसीडर्ड एज वैलिड, या वो फ्रूटफुल फिर नहीं होगा. तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, इंस्टीट्यूशनल रोल होना लाजमी है. मूविंग ऑन टू अदर टाइप ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम ये शो करते हैं कि स्पीकर क्या बिलीव करता है, या जब भी हम उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसके जेन में क्या जो है कंक्लूजन हैं, जिस चीज़ को वो फैक्चुअल कंसिडर करता है, दैट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव स्पीच. जैसे अगर मैं कह दूँ जी अली सैद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये तो एक साइंटिफिक ट्रूथ भी है, लेकिन ये स्पीकर भी इस चीज़ को बिलीव कर रहा है, इससे हमें ये भी शो हो जाता है. चॉम्स्की रोट अबाउट लैड, ये एक लिंग्विस्ट है बहुत फेमस, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर एंड यूनिवर्सल ग्रामर और मिनिमलिस्ट प्रोग्राम के ऊपर इसने बात की. तो ये जो है आपको देखे जी स्पीकर से हमें समझ आ रही है दैट स्पीकर इज अवेयर अबाउट चॉम्स्की एंड ही ऑल्सो न्यू दैट के चॉम्स्की ने इसके ऊपर लिखा. एक्सप्रेसिव स्पीच एक्ट, जब आप अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं या इमोशंस का इजहार करते हैं, जिसमें आपकी प्लेजर पेन लाइक्स और डिसलाइक्स की बात की जाए, तब आपका एक्सप्रेसिव आई एम रियली सॉरी दिस इज एंड द सेकेंड वन इज कंग्रेचुलेशन. तो इसमें आप सैड हैं कि जी माइट बी यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और कंग्रेचुलेशन वाले में आप हैप्पी. डायरेक्टिव, जब आप यू करते हैं दैट यू कमिट समवन एल्स टू डू समथिंग, जब आप किसी और को कह रहे होते हैं दैट ही नीड्स टू डू समथिंग, जिसमें आप जैसे कहते हैं जी कमांड आ गई, रिक्वेस्ट आ गई, सजेशन, ऑर्डर, तो ये आपका डायरेक्टिव में. कुड यू गिव मी योर बुक फॉर अ वाइल, डोंट डू दैट. अब ये इसमें ज़रा ऑर्डर की टोन है, कमांड की टोन है, लेकिन इसमें ज़रा रिक्वेस्ट की टोन है. कमिसिव, वेन यू कमिट योर सेल्फ टू डू समथिंग इन फ्यूचर, जैसे आप खुद अपने आप को कमिट कर रहे हो, और जो सेंटेंस हमने स्टार्ट में यूज किया था जैसे आई विल सी यू लेटर, तो आई एम कमिटिंग माई सेल्फ, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम एट एनी कॉस्ट, आई विल ब्रिंग यू अ बुक. तो यहाँ पे इसने स्पीकर ने अपने आप को कमिट किया है. दैट्स ऑल फॉर टूडे. आज हमने इलोक्यूशनरी एक्ट के बारे में इन डिटेल बात की. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स, बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.